का ये भी कहना है कि अगर इमरान खान से इनकी शादी ना हुई तो ये कभी किसी से शादी नहीं करेंगी। जैसे भी हैं मुझे कबूल, आपकी मोहब्बत है मेरी मोहब्बत, आई लव यू। ओह माय गॉड। कुछ सोचा है कि जब उनसे मुलाकात हो तो इजहार कैसे करना है? हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। चलने का स्टाइल, और जब ग्लासेस लगाते हैं, वाइट शलवार कमीज से ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट पहना होता है और फिर ग्लासेस और वो सब कुछ, मतलब बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम, दर्शक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, और आज मैं आपको जिस लड़की से मिलवाने जा रही हूँ, इनका नाम है अमारा खान लोहानी, जो कि अमारा खान नियाज़ी बनने के ख्वाब देख रही हैं और इमरान खान से शादी करना चाहती हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर इमरान खान से इनकी शादी ना हुई तो ये कभी किसी से शादी नहीं करेंगी। इनको इमरान खान में क्या पसंद है, क्यों ये उनकी चौथी बीवी बनने के ख्वाब देख रही हैं, इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमारा, इतनी यंग होने के बावजूद इमरान खान ही क्यों आखिर? मुझे ये बात नहीं समझ आती, हजम भी नहीं होती है। तो मतलब इमरान खान में क्या ऐसा? मेरे ख्याल से यंग यूथ ही जो है वो इमरान खान को ज्यादा पसंद करते हैं। पॉलिटिकल लाइकनेस तो एक अलग चीज होती है, आप तो शादी करने के ख्वाब में। पॉलिटिक्स की वजह से उनको पसंद भी नहीं करती, मैं उनसे मोहब्बत है मेरी कुछ इस तरह की, वन साइडेड लव आपको पता है बहुत ज्यादा पुख्ता होता है। तो आपसे डबल ट्रिपल उम्र के वो होंगे, बल्कि होंगे क्या है, तो ये मोहब्बत कब पैदा हुई आपके दिल में उनके लिए? ये बस हो गई, पता नहीं चला, और एज डजंट मैटर इन लव। अभी आपकी उम्र मुझे लगता है 25 साल के, नहीं नहीं 23। चलिए जी, अब उससे भी छोटी हो गई हैं आप, 20 साल की आप हैं, और इमरान खान की उम्र से अब हम आपका क्या कंपैरिजन करें। आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि भाई मेरे लिए भी एक लड़की की ख्वाहिशात होती है ना, कि शादी करने के लिए लड़का हैंडसम होना चाहिए, यंग होना चाहिए, तो इमरान खान है, इमरान खान बहुत पर्सनैलिटी उनकी देखे, हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी, यंग अच्छे खासे लगते हैं। वो अलग बात है कि वो पॉलिटिक्स की वजह से, टेंशन की वजह से काफ़ी डल से नज़र आते हैं, लेकिन जैसे भी हैं मुझे कबूल, आपकी मोहब्बत है मेरी मोहब्बत। तो बर्दाश्त कर लेंगी आप ये बात कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और चार शादियां जायज हैं, आखिरी शादी मुझसे तो हो जाए, और पहली तीसरी शादी तो उन्होंने जिनसे की है वो पहली दो को तो छोड़ चुके हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि वो बुशरा बीबी को भी छोड़? नहीं नहीं, वो छोड़ने वाला सीन नहीं है, वो ऑब्वियसली उनका एक अपना एक अलग मुकाम है, तो मेरा अगर अलग मुकाम होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। आप खुद ही जगह बना लेंगे? मैं जगह बना लूंगी। कभी वैसे मुलाकात का इत्तेफाक हुआ आपका? नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ, इनफैक्ट मैं शिद्दत से मुलाकात का इंतजार कर रही हूँ कि वो कब बाहर निकलें, कब ये सारे झंझट मसाइल जो भी इनके इर्द गिर्द हैं, जो फसाद उनके लिए फैलाए जा रहे हैं आम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो जैसे वो बाहर निकलेंगे मैं उनके सामने जरूर आना चाहूंगी और अपनी जज्बात साथ साथ उनके सामने रखना चाहूंगी कि भाई ये हूँ मैं। चलिए, पहली मुलाकात में उन्हें नहीं पता चलता जी कि ये लड़की तो मुझे प्रपोज करने आ गई है, वो आपको कहें और बेटा कैसी हो, फिर क्या फीलिंग होगी आपकी? नहीं नहीं, मैं बेटा आने तक की नौबत आने ही नहीं दूंगी, बेटा कहने तक की, तो मेरे ख्याल से वो बस सामने आ जाएं, बैठे हैं शाम दुआ, और मैं अपना जो है वो इनिशिएटिव रख दूं। नो नो नो, बकवास कहीं नहीं, और उनकी बातें बकवास नहीं हो सकती, और मैं अपना जो भी मेरे साथ उनके सामने रखूंगी, बेटा कहने से पहले, बेटा कहने से पहले ही प्यार का इजहार। कुछ सोचा है कि जब उनसे मुलाकात हो तो इजहार कैसे करना है? अभी सोचा नहीं है, और मेरे ख्याल से जब मेरे सामने आएंगे तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी, मैं बोल भी नहीं सकूंगी इनके सामने कुछ, स्पीचलेस। तो शायद उनको देख के वो खुशी के आंसू निकल आए आंखों से। मतलब वो बहुत अलग हैं सारी दुनिया से, मतलब होता है एक यंग लड़की, आपने बोला कि आपको हैंडसम जो प्रिंसेस के लिए प्रिंस आएगा, तो वो ऐसा इस तरह के ख्वाब नहीं है, जो है वो इमरान खान के लिए, कि वो मेरे लिए प्रिंस हैं, वही मेरे लिए सब कुछ।
अच्छा, तो ये बात आपके सर्कल में भी सबको पता है कि आप उन्हीं से ही शादी करेंगी और किसी से नहीं करेंगी? हाँ बिल्कुल, सबको पता है और सब भी तकरीबन बस यही कहते हैं कि हाँ वो अभी पॉलिटिक्स की वजह से शायद आप इतना उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। मैंने कहा नहीं, पॉलिटिक्स ज़रूरी नहीं, पॉलिटिक्स की तो मैंने उनके खैर कभी जोड़ा भी नहीं है, वो मोहब्बत व लगाव वो दिल लगी बस। अच्छा, पेरेंट्स क्या कहते हैं इस हवाले से जब आप उन्हें ये बात करती हैं कि शादी तो सिर्फ इमरान खान से करनी है वरना किसी से नहीं करनी? अम्मी जूती नहीं उठा लेते कि इधर आओ जरा तुम्हारा मैं प्यार नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं जूती उठाने वाला मौका नहीं आया अभी तक, लेकिन वो है कि ऑब्वियसली एक माँ बाप की होती है चाह होती है कि भाई हमारी बेटी की से शादी हो। वो खैर मैंने अपने उनके सामने एहसास रखे कि भाई मुझे उनसे शादी करनी है, मैं शादी करना चाहती हूँ और मुझे वो पसंद है। तो उन्होंने कहा कि चलो एक होता है एक पर्सनैलिटी के लिहाज से अगर आप उनसे उनको पसंद करती हैं वो ठीक है, लेकिन शादी वाला सीन तो आप ना सोचें ना। तो उनको भी ये पता है कि भाई हमारा जो है वो दीवानी है। कोई एक ऐसा मोमेंट तो होता है ना जब आपका किसी के ऊपर दिल आ जाता है, तो इमरान खान की ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आपका दिल उन पर आया ही आया और शादी का ख्वाब भी आपने सजा लिया? उनकी बातें, उनकी बातें जो होती हैं वो मेरे ख्याल से वो जो पंचिंग लाइंस बोलते हैं, उनके अल्फाज, उनके चुनाव अल्फाजों के जो चुनाव होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी एक एक बात जो है वो दिल पे लगती है जाके, उनका समझाना, उनकी स्पीच, उनकी पॉलिटिकल स्पीच या उनकी कोई भी ऐसी बात हो नॉर्मल, उनकी चलने का स्टाइल, और जब ग्लासेस लगाते हैं वाइट शलवार कमीज से ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट पहना होता है और फिर ग्लासेस और वो सब कुछ, मतलब बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। मतलब छोटी छोटी चीज़ें उनकी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की होती हैं कि भाई हाँ ड्रेसिंग इस तरह की करते हैं, ग्लासेस इस तरह की पहनते हैं, स्टाइलिंग चलने का ये है उनका, बोलने का अंदाज, बोलते कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सारी चीज़ें मतलब नोट की है मैंने और क्यों ना करें। आप इतनी यंग हैं, कभी किसी ने और ने आपको प्रपोज किया और आपने इमरान खान के लिए रिजेक्ट कर दिया? बेशक वो लड़का बहुत अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है और अभी भी होता है, लेकिन वो जो एक मोहब्बत है, औरत की मोहब्बत मेरे ख्याल से वो पक्की बड़ी वाली, पक्की वाली होती है, और जिससे वो हो जाए तो मेरे ख्याल से वो फिर दूसरे रास्ते पे नहीं जा सकती, और ऐसा हुआ है, प्रपोजल्स भी आए हैं और रिजेक्ट भी सिर्फ उनकी वजह से हुए हैं। दिल तोड़ दिया। लेकिन मैंने उनको कभी बताया नहीं कि भाई वजह आपको रिजेक्ट करने की, इमरान खान ने पता चल जाएगी, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा और चल जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये मेरा जो पैगाम है वो इमरान खान साहब के पास पहुँचे, इमरान खान साहब के पास, मेरे उन्हों के पास पहुँचे, और दुआ है कि वो जल्द अज जल्द खैर खैरियत से जेल से वापस आए और बाइज़त बरी। रिफ्यूज़ल का डर नहीं है आपको? अगर आपकी चॉइस है तो उनकी भी हो सकती है ना? मेरे ख्याल से रिफ्यूज़ल का ऑब्वियसली डर तो है, दिल तो दुखता है जब एक इनकार सुनने को मिलता है, और मेरे ख्याल से मैं मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रांग मैं अपना रखूंगी कि वो शायद बिना इनकार कर पाए। अगर इनकार कर मुझे इतना तो है अपने बात पे कायम रहें कि आप मेरी शादी नहीं करूंगी। इमरान खान है तो सब है वरना कुछ नहीं है। बिल्कुल है, और मैं मेरे ख्याल से अटल रहती हूँ अपने अल्फाजों पे कि भाई जो करना है वो करना है और जो नहीं करना वो नहीं करना। इतनी आपकी स्ट्रांग मोहब्बत है इमरान खान के लिए, कोई गाना, कोई शायरी? अक्सर जो प्यार में पागल लोग होते हैं ना वो शायरी बहुत अच्छी करते हैं, गुनगुनाते बहुत अच्छा है, मोहब्बत वाले गाने, तो आप हमें कुछ अगर हमसे शेयर करें। शायरी तो ऐसे मैं नहीं ज़्यादा सुनती, कुछ बोल हैं जो मैं सुनाना चाहूँगी उनके जरूर, लिए जरूर। कुछ मोहब्बत के अल्फाज हैं वही। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान भी चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा। क्या बात है। आखिर में इमरान खान के लिए कोई पैगाम आप उन्हें देना चाहें, कुछ प्यार का इजहार करना चाहें? प्यार के इजहार वो सामने, वो अगर मैं उनको अपने देखूँ तो ज़्यादा अच्छे से होगा। मैं फ़िलहाल यही कहना चाहूँगी कि एक लड़की है जो आप ही मुंतज़िर है और रहेगी सारी ज़िंदगी, और इंतज़ार कर रही हूँ मैं आपके बाहर आने का, और अल्लाह ताला से ये मेरी दुआ भी है कि आप जब भी बाहर आएँ बस कोई ना कोई रास्ता निकल आए मेरा आपसे, अल्लाह ताला
किसी भी तरह से मुझे आपसे मिलवाए, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दिल की मुराद जो है वो सुने और इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा, एंड आई लव यू। ओ माई गॉड, हमारा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खान साहब, अगर आपने इनका प्रपोज़ल सुन लिया है तो ज़रा इस पे गौर व फ़िक्र कीजिएगा। नाजरीन, तो ये थी अमारा खान, जो अमारा खान न्याजी बनना के ख्वाब भी देख रही हैं, बनना चाह भी रही हैं, और आज इन्होंने ओपनली इमरान खान को प्रपोज़ भी कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अमारा की मोहब्बत की दास्तान सुनकर मज़ा भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।